बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सिबी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नई वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल एम्बेसी की, और पुर्तगाल एम्बेसी जो है मैं आपको बेसिक अगर नोटिफिकेशन उसका दिखा सकूँ तो वजह है कि वर्क वीज़े के लिए जो है एम्बेसी ने काम इस टाइम रोका हुआ है। ये एक अपडेट है, और ये अपडेट अभी से नहीं है, ये फरवरी 2023 से एम्बेसी ने नोटिफिकेशन किया हुआ है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए भी तो एम्बेसी आपसे पहले पूछती है कि हम आपको मार्च 2024 की है वो अपॉइंटमेंट देंगे, अगर आपको चाहिए तो हम अब बुक कर देते हैं और आपको उसकी ईमेल कर देंगे, क्योंकि इनका कोई ऑनलाइन पोर्टल तो है नहीं, वाया ईमेल के थ्रू ही एम्बेसी को जो है उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो उसके लिए बेसिक चीज़ जो है मैंने आपको बताई, तो ये वर्क वीज़े की सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अगर आपको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट चाहिए तो लीगलाइजेशन के लिए याद रखिएगा, उसके लिए भी वाया थ्रू मेल ही आपको आएगी। और आजकल जो है तकरीबन आज 20-22 अगस्त चल रही है, 20 अगस्त है, और आपको 6-7 सितंबर की जो है अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाएगी। एम्बेसी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत लेट दे रही है, ठीक है। हम रिस्पॉन्स करते हैं तो तकरीबन काफ़ी लेट रिप्लाई एम्बेसी का आता है, लेकिन एम्बेसी ईमेल जो है वो टाइम जो है वो दे देती है, और जाके फिर आप जाके अपनी फाइल को सबमिट करवा देते हैं। अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से हमें कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, और अपने कोई भी आपका जो इशू होगा उसको रिजोल्व करने के हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब बेसिक चीज़ क्या है, अब इसमें जो पुर्तगाल की ट्रांसलेशन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो करेक्टर सर्टिफिकेट जो सिंपल इंग्लिश में होता है उसको नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई फैमिली केस आप सबमिट करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो उर्दू में जितने भी पेपर होंगे उन सबको अपने इंग्लिश और पुर्तगीज़ में ट्रांसलेशन कराना मस्ट होगा, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी टेस्ट कराना लाजिम है। अब बेसिक चीज़ ये है के कितने दिन तक जो वैलिड है आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से 90 दिन अगर पुराना आपका पेपर है तो एम्बेसी वो लेगी ही नहीं। तो जब भी आपने अपॉइंटमेंट लीगलाइजेशन के लिए लेनी है तो अपने डॉक्यूमेंट बाद में टेस्ट कराने हैं, पहले टेस्ट नहीं करवाने। तो ये एक बेसिक इशू है जो पुर्तगीज़ एम्बेसी या पुर्तगाल एम्बेसी है वो इस पर इशू क्रिएट कर रही है कि 90 दिन से पुराना मूफा हमें नहीं चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अटेस्टेशन जो है 90 दिन से पुरानी होगी, वैसे तो हमारे कानून में तो लाइफ टाइम होती है, लेकिन हर कंट्री की एक अपनी रूल ऑफ रेगुलेशन है, तो उस मुताबिक आपको चलना पड़ेगा अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाने हैं। तो अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी हो तो हमसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन पे हमारे लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते भी जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।